चैप्टर चल रहा है बेटा केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चे, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे हम कि ये क्या चीज एक्सप्लेन करता है। वो चीज देखिए, ये एक्चुअलिटी में बताता है टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है। आपने ये चीज पढ़ लिया कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है लगभग डबल हो जाती है, ठीक है, यानी इंक्रीज कर जाती है। आपने ये भी पढ़ा है क्यों इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि केमिकल जो रिएक्टेंट्स हैं उनको बहुत इजीली क्या मिल जाती है, प्रॉपर अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाती है और वो क्या हो जाते हैं, आपके प्रोडक्ट बनाने लग जाते हैं। बट इसको डिटेल में किसने बताया, हमारे मैक्सवेल ने बताया। मैक्सवेल ने बताया कि T1 टेम्परेचर कम है, याद रखना यहाँ पर T1 कम है और T2 ज्यादा है। आप कहोगे कि मैम T2 तो नीचे है, बिल्कुल नीचे है, तो टेम्परेचर तो मैंने यहाँ दिखाई नहीं रखा इसके ऊपर, मैंने तो सिर्फ आपको बता रखा है ये मेरा प्रोडक्ट फॉर्मेशन की कर्व है जो कि ये T1 टेम्परेचर पे है और ये T2 टेम्परेचर पे है। तो मैंने यहाँ दोनों साइड्स में से एक्स और वाई एक्सिस पे कहीं पर भी टेम्परेचर नहीं ले रखा कि आप ये सोचो कि ये हाई टेम्परेचर है ये लो टेम्परेचर है। तो दिस इज हाई टेम्परेचर एंड दिस इज लो टेम्परेचर, ठीक है। तो वो कहते हैं कि क्या होता है एक्चुअलिटी में, जैसे मैं अगर इस कर्व की बात करूं, ठीक है, तो कर्व के अंदर आपको मिलेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसी भी कर्व का एरिया आपको क्या देगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देगा जो प्रोडक्ट बनाएंगे। बात समझ आएगी, मतलब रिएक्टेंट्स का अमाउंट देगा। डन। इधर एनर्जी चल रही है, मैंने पहले वाली कर्व पे फोकस करो T1 टेम्परेचर के लिए। इस कर्व के लिए मैंने एक्टिवेशन एनर्जी यहां पर दे रखी है आपको। एक्टिवेशन एनर्जी जिनके पास मिल गई ये वाले ही तो रिफ्रैक्टिव कोलिजन देंगे। मैंने आपको कल बताया था कि एक्टिवेशन एनर्जी जिन मॉलिक्यूल्स को मिल जाती है वो क्या करते हैं, केमिकली रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। बात समझ आई, क्लियर हुआ, ठीक है। और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या बताई थी आपको, कि जो भी एनर्जी मिनिमम चाहिए होती है किसके लिए, कोलिजन्स करने के लिए, ताकि आपके इफेक्टिव कोलिजन्स का नंबर क्या हो सके, बढ़ सके, वो क्या बना बताई थी आपको, थ्रेशोल्ड एनर्जी बताई थी, है ना। तो यहाँ पर बेटा एक्टिवेशन एनर्जी जिनके पास है, मैं कह रही हूँ ये मेरी एक्टिवेशन एनर्जी का अमाउंट है, तो एक्टिवेशन एनर्जी जिनके पास है वो मॉलिक्यूल्स मेरे आगे वाले हैं सिर्फ, पीछे वाले मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है बेटा। तो एक्टिवेशन एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स ही आपको क्या देंगे, इफेक्टिव कोलिजन्स देंगे बेटा। बात समझ आ गई, ठीक है, इफेक्टिव कोलिजन्स देंगे। इफेक्टिव कोलिजन्स आगे चल के क्या बनाएंगे बेटा, दैट लीड्स टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ये आगे चल के आपके क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेंगे। ये बात समझ आ गई। तो बेटा एक बात बताओ, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, मैंने बोला T2 बढ़ा हुआ है, T2 बढ़ा हुआ है, तो बेटा ये टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्टिवेशन एनर्जी तो वही रहेगी, वो तो नहीं बदलेगी ना। तो ये वाला एरिया जरा ध्यान से देखिए, ये वाला एरिया मेरे नीचे वाले एरिया में प्लस हो जाएगा ना बेटा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से मेरा फ्रैक्शन बढ़ गया, किस चीज का, ऐसे मॉलिक्यूल्स का जो क्या देंगे, इफेक्टिव कोलिजन देंगे। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ गया जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होता है, वो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स बढ़ जाते हैं जिनके पास प्रॉपर अमाउंट में एक्टिवेशन एनर्जी है, और जो इफेक्टिव कोलिजन्स देके आगे क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। बात समझ आगे बेटा। इसीलिए टेम्परेचर इंक्रीज करने पर आपका क्या होता है, बोलो, दैट इज रेट इंक्रीज करता है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इंक्रीज नंबर आप कह सकते हो, इंक्रीज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट फॉर्म प्रोडक्ट्स। तो आपके इफेक्टिव कोलिजन्स के नंबर बढ़ जाते हैं, और इसी इफेक्टिव कोलिजन्स के नंबर बढ़ने की वजह से आपका रेट क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो ये बात हमें कौन बताती है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बताती है, ठीक है बेटा, ठीक है। अगर आपसे पूछे कोई भी कि नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, तो आप ये याद रखिएगा कि नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स, जरूरी है बेटा ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना, कि जो कोलिजन्स आपको प्रोडक्ट्स बना के देंगे उनको हम इफेक्टिव कोलिजन्स कहते हैं, और उनका नंबर होता है e^-EA/RT के इक्वल, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला में अगर वैल्यू दे रखी हो, टेम्परेचर बता रखा हो, एक्टिवेशन एनर्जी बता रखी हो,
तो आसानी से आप इसके अंदर वैल्यू पुट करके गेट योर आंसर्स कि कितने कोलिजन्स आपके इफेक्टिव कोलिजन्स है और प्रोडक्ट्स कौन से कोलिजन्स देंगे, ठीक है। उसके बाद है बेटा नेक्स्ट टॉपिक इज योर टेम्परेचर कोफिशिएंट, एक छोटा सा टॉपिक है। आई होप मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपको समझ आ गई होगी। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व सिर्फ इतना ही कहती है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज हो जाते हैं, इसी रीजन की वजह से रेट भी क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात कर रही हूँ बेटा म्यू की, और म्यू को बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। म्यू को हम क्या बोलते हैं बेटा, टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो जरा ध्यान देंगे म्यू है क्या चीज, म्यू इज इक्वल टू के एट टी प्लस 10 अपॉन के टी। क्या है के, के आपको पता है बेटा रेट कांस्टेंट है, आप पढ़ चुके हो ये बात, पैर में टी लगा दिया तो एट टी टेम्परेचर, टी टेम्परेचर के ऊपर रेट कांस्टेंट क्या हो गया, के टी हो गया बेटा। के टी प्लस 1 क्या हो गया, रेट कांस्टेंट एट टी प्लस 1 टेम्परेचर। तो अगर डेफिनेशन देखू मैं आपके म्यू की, दैट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट की डेफिनेशन क्या होगी, जब आपके दो रेट कितने टेम्परेचर से डिफर कर रहे हो, सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस या 10 फेराइट से, ठीक है। मतलब गैप सिर्फ डिफरेंस क्या होना चाहिए, 10 का होना चाहिए, क्लियर होगी मेरी बात। तो टेम्परेचर्स के बीच में अगर 10 का डिफरेंस है तो उनके रेशो किसके, उनके रेट कांस्टेंट के रेशो आपके क्या कहलाते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट्स। कोई डाउट है यहाँ पर, क्लियर हो गया अच्छे से, ठीक है। उसके बाद बात करती हूँ बेटा मैं नेक्स्ट इज योर कोलिजन थ्योरी। टॉपिक है बेटा इस चैप्टर का कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी क्या कहती है, कोलिजन थ्योरी ये कहती है कि दो रिएक्टेंट्स अगर आपस में टकरा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रोडक्ट्स ही बनाएंगे। मतलब क्या हुआ इस बात का, देखिए हाइड्रोजन प्लस आयोडीन गिव्स HI, ठीक है। मैंने कल भी एग्जाम्पल समझाया था आपको, ये मेरे पास हाइड्रोजन है, दिस इज माई आयन मॉलिक्यूल। तो अगर आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन से भी टकरा सकता है बेटा, आपका आयोडीन आयोडीन से भी टकरा सकता है, और आपका हाइड्रोजन किससे टकरा सकता है, आयोडीन से, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिए, जब आप हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से कोलाइड करेंगे या आयोडीन को आयोडीन से या हाइड्रोजन को आयोडीन से, ये तीन तरह के कोलिजन आपको मिलेंगे। तो वो कहता है हर टकराव हर कोलिजन प्रोडक्ट बनाता नहीं है, बिल्कुल ठीक है। हाइड्रोजन जब हाइड्रोजन से टकराएगा तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा, नहीं, प्रोडक्ट आपका क्या है, HI है, बात समझ आई। आयोडीन जब आयोडीन से टकराएगा तो प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, जब हाइड्रोजन आयोडीन से टकराएगा तो ही प्रोडक्ट बनाएगा, मेरी बात समझ आई। तो वो क्या कहना चाहता है, वो सिर्फ इतना कहना चाहता है कि कोलिजन थ्योरी के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से टकराते हैं वो सभी के सभी प्रोडक्ट नहीं बनाते। तो प्रोडक्ट बनाने वाले कोलिजन कौन से होते हैं, मतलब पहली बात तो कोलिजन होने चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। और कोलिजन भी कौन से होने चाहिए बेटा, इफेक्टिव कोलिजन होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इफेक्टिव कोलिजन होने चाहिए, क्योंकि इफेक्टिव कोलिजन ही आपके आगे चल के क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन करते हैं, मेरी बात समझ आई है यहाँ तक, क्लियर हुआ। तो वो ये कह रहा है कि आपका HH से टकराएगा तो वो इफेक्टिव कोलिजन नहीं है, II से टकराएगा तो भी वो इफेक्टिव कोलिजन नहीं है, सिर्फ H जब I से टकराएगा तो ही वो क्या कहलाएगा, इफेक्टिव कोलिजन कहलाएगा, मेरी बात समझ आई है यहाँ तक, ठीक है। तो आपका H जब I से टकराएगा तो ऐसे कोलिजन ही कहलाएंगे इफेक्टिव कोलिजन, क्योंकि यही आगे चल के क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। तो कोलाइड करने के लिए या इफेक्टिव कोलिजन बनाने के लिए हमारे पास दो फैक्टर इंपॉर्टेंट है बेटा। सबसे पहले है आपका एनर्जी फैक्टर, जो मैं आपको एक्टिवेशन एनर्जी के टाइम पर डिटेल में करा चुकी हूँ। एनर्जी फैक्टर में सिंपल है बेटा, इफेक्टिव कोलिजन, अभी हमने मैक्सवेल में भी पढ़ा है, इफेक्टिव कोलिजन कौन देगा राजे, वही देगा जिसके पास एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी जितनी हो या फिर उससे क्या हो बेटा, ज्यादा हो, बात समझ आई। मतलब अगर आपकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से क्या है, ज्यादा है या उसके जितनी है, तो ही जो कोलिजन होंगे वो इफेक्टिव कोलिजन होंगे, वरना एक दूसरे से यूं थोड़ा वो टकरा टकरू के रह लेंगे, बात समझ आई। तो मतलब पहले फर्स्ट चीज
कि आपके रिएक्टेंट्स के पास प्रॉपर अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए और वो एनर्जी कितनी होनी चाहिए, आपकी एक्टिवेशन एनर्जी जितनी या उससे ज्यादा होनी चाहिए, दैट इज योर एनर्जी फैक्टर। इज दैट क्लियर बेटा? ठीक है। सेकेंड इज योर ओरिएंटेशन फैक्टर। ओरिएंटेशन फैक्टर क्या होता है? ओरिएंटेशन फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो सिंपल सा कंसेप्ट है राजे, व्हाट इज ओरिएंटेशन फैक्टर? बेटा जैसे मैंने ले लिया कार्बन के ऊपर, मैंने यहां पर ले लिया प्लस में मैंने OH नेगेटिव का अटैक कराना है। बेटा ध्यान से देखोगे, क्लोरीन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव होता है, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। इज दैट क्लियर? बेटा डेल्टा नेगेटिव मतलब नेगेटिव ही हो गया ना, इधर भी क्या आ रहा जे नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव अगर ये इधर से अटैक करेगा तो नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे और इसको अटैक नहीं करने देंगे। मतलब इस तरह का कोलिजन आपका प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, तो इस तरह का कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा। तो ये OH क्या करेगा, पीछे से घूम के जाएगा अटैक करने के लिए। तो ये वाला अटैक सही है और ये वाला अटैक क्या है, गलत है। तो अगर आप यहाँ पर फोकस करेंगे तो यहाँ पर H बेटा इधर आपका लग जाएगा OH, H, H और बाहर आपका निकल जाएगा Cl नेगेटिव। तो दिस टाइप ऑफ अटैक जो आपके क्या होंगे, प्रॉपर ओरिएंटेशन से होने चाहिए, मतलब प्रॉपर वे में अटैक होनी चाहिए ताकि रिपल्शन क्या हो मिनिमम और अट्रैक्शन क्या हो मैक्सिमम, वही आगे चल के प्रोडक्ट्स बनाएंगे। अगर आपकी ओरिएंटेशन ऑफ अटैक भी गलत है तो भी आपके प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। तो अगर प्रोडक्ट नहीं बनेंगे तो उस टाइप की कोलिजन्स इफेक्टिव कोलिजन्स में गिनी नहीं जाती। तो दिस इज ऑल अबाउट योर केमिकल काइनेटिक्स बेटा। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर आपका आज यहाँ फिनिश हो गया है। आपके कोई भी न्यूमेरिकल्स में डाउट हो, कुछ भी मुझसे पूछना हो तो जस्ट आस्क टू मी। ठीक है, आप या तो कमेंट कर दीजिएगा या फिर आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ लीजिएगा। कोई भी चीज अगर इसमें डाउट हो इस चैप्टर में तो आप पूछ लीजिएगा। मैं नेक्स्ट चैप्टर विद इन 1-2 डेज स्टार्ट करूंगी, तब तक आप इसके न्यूमेरिकल सॉर्ट आउट कीजिए क्योंकि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स ही आएंगे। ठीक है।